हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज जडवेक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फेथ जॉब में। दोस्तों, आज से जो है नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी जो फिजिक्स की मैंने बुक ली है। मैं हमेशा से जो है बुक प्रेफर करता हूँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक जो है मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को। फिलहाल जो है इस एनसीईआरटी की बुक्स का जो है मैं जो क्रैश कोर्स जो है मैंने शुरू किया है, और ये जो पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है पहले चैप्टर की बात करेंगे, यानी जो हम आज इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी फिजिकल वर्ल्ड। यानी आप जब एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस तरह से जो चैप्टर वन है वो इस तरह से मिलेगा, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका पहला चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में हम ये जानेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, यानी जो मानव है, यानी हम जैसे इंसान जो हैं, वो क्या करता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि क्यूरिसिटी, यानी जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा है हम लोग के अंदर। तो हम लोग हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि सूर्य चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर, मतलब जो है सूर्य अपने जगह पर है, पृथ्वी चारों चक्कर लगा रही है सूर्य के, और भी जो अपने अक्ष में जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, और हर एक घटना है, हर एक फिनोमिनन जो हो रहा है यहाँ पर घट रहा है। जैसे कि मैं तुमको बता दूँ कि जैसे ऋतु हो गई, ठीक है, आपका जो मौसम हो गए, ठीक है, जैसे मौसम हो गए, उसके बाद फिर जो आपका सालाना चक्र है वो हो गया, सूर्य का ग्रहण लगना, चंद्र का ग्रहण लगना, हमारे यहाँ ज्वार भाटा आना, ठीक है, और ज्वालामुखी वॉल्केनोज हैं, इंद्रधनुष है, और ऐसी कई कई चीज़ें हैं। ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन सबको क्या है, ये सब जो है क्या है, ये जो है यही हमारा क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो कोई भी घटना घट रही है, सबका जो एक वास्तविक तर्क, जो वास्तविकता की बात करूँ, उसका एक भौतिक क्या संरचना है, यानी भौतिक जो है एक कार्यक्रम है, एक तरह से मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं, एक तरह से देखा जाए तो यही जो हमारा ये भौतिक पर्यावरण है, ठीक है, यही जो है हम लोग को मतलब हर एक चीज़ की जानकारी देती है। भौतिक का जो प्रेजेंस है फिजिकल का, वो हमको यहाँ पर जो है यही बताता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये साइंस क्या है, ठीक है, वर्ल्ड जो जो साइंस शब्द है वो क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि साइंस शब्द जो है ये लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा है, ठीक है, भाषा है। और ये जो जो मेन सबसे बड़ी बात है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो साइंस है वो लैटिन भाषा का सिंटिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ड है सिंटिया, ठीक है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अब तुमको बताऊँ मैं आपको कि जो सबसे बड़ी बात क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जो साइंस का जो सिंटिया का, यानी लैटिन भाषा में सिंटिया का अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। सबसे बड़ी बात क्या है, साइंस यानी सिंटिया का अर्थ क्या होता है इसमें, तो ये होता है आपका क्या, टू नो यानी जानना। आप आज से जान लीजिए साइंस क्या हो गया, आपका इसका मतलब सीधे सीधे पता होना चाहिए, साइंस मतलब हो गया टू नो यानी जानना। विज्ञान क्या है, जानना किसी के बारे में, उसको हमको क्या करना है, जानना, वही क्या हुआ, साइंस हुआ, ठीक है। अब तो ये टर्म जो है काफ़ी हद तक जो है आपको क्लियर हो गई, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ द सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब इन सब के बारे में जो है आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें आपको जानना ही है कि साइंस क्या है, और काफ़ी बस मैं टू द पॉइंट ही सिर्फ चलूँगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़कर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग आज जो मतलब जानेंगे सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या पढ़ने को मिल सकती हैं इसमें, और क्या क्या टॉपिक है उसको हम और आगे चलकर क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है सिद्धांत के बारे में कि फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन एंड द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है, विच आल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। द वर्ल्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फिजिक्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस में के कैटेगरी में आने वाला जो फिजिक्स है वो क्या है, बेसिक डिसिप्लिनरी शो करता है, उसमें एक पार्ट है, एक भाग है, जिसके अंतर्गत जो है कई और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक दैट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये भी इसके अंदर पाया जाता है, यानी ये भी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि द वर्ड फिजिक्स, यानी फिजिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया, तो फिजिक्स वर्ड जो आया वो आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड, ठीक है। इसका जो मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, और इसका जो मीनिंग है वो है नेचर, क्या है, पर्यावरण, जो इसका क्या है, ये सीधे सीधे जानिए कि ये क्या है, नेचर हुआ यानी पर्यावरण, यानी प्राकृतिक, सॉरी नेचर मतलब प्रकृति,
यानी यही हुआ, ठीक है। इसका जो मतलब कुछ हद तक जो संबंध है वो किससे है, भौतिकी से है, ठीक है। अब ये तो बातें जान ले, ठीक है। अब इसमें जो एक टर्म आएगा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मेन मेन टर्म्स हैं बस मैंने आपको बताया ना कि बस हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब मैं बताऊं कि इसका प्रयोजन और उत्तेजना, ठीक है, मेन बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो मतलब फिजिक्स का है कि क्या स्कोप है, यानी कहाँ तक इसको, इसका कार्य क्षेत्र क्या है और ये किस हद तक विस्तार करता है, कहाँ पर इसका यूज है, इस तरह की जो मतलब मतलब देखने को हमको मिल सकता है। तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इसका कार्य क्षेत्र की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है दो दो तीन तीन पॉइंट जो है यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पर आपको जो घटना के बारे में, जैसे मैं आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप देखिएगा, वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय लुकिंग एट द वेरियस सब डिसिप्लिन। बेसिकली देर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमिना ऑफ द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड, देखिए देखिए एक होता है मैक्रो एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब बात करूं यहाँ पर दो ऐसी है जो निकट आंखों से नहीं देख सकते, और मैक्रो है वो जो है काफ़ी हद तक दूर है, जिसको मतलब टेलीस्कोपिक का किसी यंत्र का प्रयोग करके मतलब दूर की चीज़ों को देखना है, दूर है, काफ़ी बड़ा है लेकिन दूर है और दिखता नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको दो भागों में मतलब डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर यानी अगर हम मैक्रो की बात करें इसके अंदर हमको ये देखने को मिलता है, जैसे यांत्रिक हो गई, और जैसे आपका आपका घटनाएं जैसे आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल जैसे हो गया, जैसे आपका प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हुई मैक्रोस्कोपिक में आएंगी। और बात करेंगे जैसे कि आपको मैं बता दूं कि माइक्रोस्कोपिक बात करेंगे, इसके अंदर आपको एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, अणु है, परमाणु है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है, इन सब के बारे में हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, ठीक है। अब बताते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्या करता है, यानी मेनली किस किस चीज़ से डिपेंड करता है, यानी किससे ये संबंध रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहले देखिए मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स क्या होते हैं, यांत्रिकी यानी मशीनरी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आप फिजिक्स का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको जानने की इच्छा उगेगी कि क्या है, कैसे है, प्रोसेसेस क्या है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी में कई चीज़ आ गई जिसे आपको देखने मिलेगा, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स यानी वैद्युत गतिकी, ठीक है। उसकी बात आ गई ऑप्टिक्स आ गया, जैसे प्रकाशिकी बोलते हैं जिसको, ऑप्टिक्स हो गए। उसके बाद आपकी बात आ गई थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आप भली भांति परिचित होंगे, जैसे कि ऊष्मागतिकी बोलते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिकी बोलते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इस तरह से जो है आपको इसमें अध्ययन करने को मिलेगा। फिलहाल जो है ये मेन मेन टॉपिक्स है, बस खाली आपको ये जानना है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि हमारे जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको फिजिक्स है किस हद तक आपको हेल्प करता है और किस हद तक जो है आपकी मदद करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको नॉर्मली जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें मैं यहाँ पर एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस, यही सब बातें बता रहा है कि आम जिंदगी में जो फिजिक्स हम लोग के लिए यूज़ करता है वो क्या करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता रहता है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपके बाद कोई और भी यूज़ करता है, एक ही समय में कई लोग यूज़ करते हैं, यही यही जो है ये फिजिकल वर्ल्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया है द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे रदरफोर्ड ने इसको दिया था, इसका मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लेड ब्लॉक को लिया गया था, ठीक है, लेड ब्लॉक जो है लिया गया था, जिसमें एक पतले से गोल्ड फॉइल को मतलब उसमें से लाइट पास कराया गया था, ठीक है, माइक्रोस्कोप था, वहाँ से फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, स्कैटरिंग एंगल था, फ्लैश लाइट थी, उसको पास कराया गया वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जो उन्होंने रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है इस पर, आगे फिर इसमें इसी के टर्म में आगे भी कई देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है फिजिक्स, देखिए फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी इसका क्या कहने का मतलब है, भौतिकी प्रौद्योगिकी और क्या है तथा हमारा समाज, हमारा क्या है सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बीच क्या है, जैसे कि भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज के बीच जानते क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यह इसके अंदर हम लोग संबंधों को जानेंगे, क्या जानेंगे, हमारा रिलेशन जानेंगे। इसमें हम लोग कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ऊष्मागतिकी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें क्या जानेंगे, ऊष्मा इंजनों के बारे में जानेंगे, उसकी कार्य प्रणाली यानी
भाई कैसे उसका वर्क है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझकर उसके अंदर क्या गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको आवश्यकता अगर है तो उसको करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको बता देते हैं कि भाप का इंजन जो था, मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होगा, यहाँ पर इसी में ये सारी बातें लिखी है। जैसे भाप का इंजन था पहले, तो उस भाप के इंजन में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुआ था कि एक जो मतलब क्रांति औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो कहते हैं ना कि क्रांति शुरू हुई थी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिया 18th century में, इसको यही बात दी गई है, सिविलाइजेशन या हुआ था, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो यहाँ पर इंग्लैंड में जिसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति शुरुआत हो गई थी। यानी जब भाप का इंजन की जब खोज की, यानी भाप का जब इंजन बना, तो इस टर्म में क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टॉपिक दिए हुए हैं, इसलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस समय जो है भाप के इंजन के समय जो क्या हुआ, तो क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ से भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल गई, जैसे नई नई प्रौद्योगिकी जो है उत्पन्न करने लगा, नया बिजनेस स्टार्ट होने लगा, उसके माध्यम से नया संचार का जो सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन जो मेन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर देख लीजिए उससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो एक्टिवेट हो गई। एक जब जैसे ट्रेन का चलना, यानी कुछ लंबी दूरी को जल्दी से कम समय में तय करना स्टार्ट हो गया, इस तरह से हम लोग का और भी कई चीज़ें का जो है ना विस्तार होना शुरू कर दिया, जिसमें आपको एक एग्जांपल मिला वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस सब का जो है आपको मतलब विस्तार देखने को मिला इसके अंदर। ठीक, यहीं पर जहाँ पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, वहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो न्यूट्रॉन प्रेरित यूरेनियम नाभिक की खोज होने लगी, विखंडन का मतलब शुरुआत हो गया, उस पर न्यूक्लियर एनर्जी पे वर्क होना शुरू हो गया, और कई बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं, ठीक है, आणविक शक्ति रिएक्टर्स जैसे न्यूक्लियर फिजन के जो है वो सारी चीज़ें जो है क्या है काफ़ी हद तक जो है स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूट्रॉन इंड्यूटेड फिजन ऑफ यूरेनियम, उनका जो है यूरेनियम के साथ जो है उनका फिजन कराने लगे, न्यूक्लियर पावर यहाँ पर जो है न्यूक्लियर पावर का क्या हो रहा था, एक बहुत ही जोरदार आरंभ हो रहा था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक कई चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी में आपको क्या हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स का क्या हुआ, आगाज हुआ, कदम रखा, न्यूक्लियर वेपन के बारे में लोग जानने लगे, डरने लगे, उसे समझने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सिलिकॉन चिप, ठीक है, सिलिकॉन चिप का जो है खोज हुआ, जिसने कंप्यूटर रिवोल्यूशन को ही पूरा बदल दिया, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति थी उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हुई, इसी जो समय के साथ साथ बदलती चले गई, बढ़ते चला गया आगे हद तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से ही क्या हुआ, फिजिक्स की क्या हो गई, इसके अंदर चेंजेस आने लगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है, अब हम एक टेबल मेरे सामने है, इस टेबल को आप खास तरह से जो है इसको आप याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दो टेबल के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहला टेबल जो है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि कुछ जो नेम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है पहली बात तो यहाँ पर कुछ नेम्स दे रखा है और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और उसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ, आप जो भी यहाँ पर कंपनी है, जो भी नेम है इनका, डिस्कवरी क्या क्या, आविष्कार क्या क्या उन्होंने किया, और इसके बारे में जो आपने दे रखा है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पहले बात करते हैं आर्कमिडीज जो है यहाँ पर हैं, आर्कमिडीज़, ठीक है, ये हैं आर्कमिडीज़, ठीक है, पहली बात। और इन्होंने खोज किया क्या, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, प्रिंसिपल ऑफ द लिवर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावकता, यानी जो पानी के अंदर जो क्या है, जब आप पानी पे कोई भी चीज़ रखते हैं और उसको दबाते हैं, देन क्या करता है पानी, क्या करता है, बैकवर्ड फोर्स जो है लगाता है, उसी को बोलते हैं क्या, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने वो कहाँ से, किस कंट्री से, ग्रीस कंट्री से थे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से गैलीलियो आए, लॉ ऑफ इनर्सिया की खोज की, यानी जड़त्व का जो नियम है, इटली से थे वो। क्रिस्टीन जो है हाइगेंस आए, ठीक है, उन्होंने क्या, वेव थ्योरी दिया, लाइट का जो है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया उन्होंने, हॉलैंड से थे।
उसी के उसी में आए इसाक न्यूटन आए, ठीक है, आइजक न्यूटन आए, जिन्होंने मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो सबसे बड़ा था लॉ ऑफ मोशन उन्होंने दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ टेलीस्कोप दिया। कहाँ से थे वो? यूके से थे। यहाँ पर उत्तराखंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, यूनाइटेड किंगडम होगा, ठीक है। उसके बाद मिशेल, यहाँ पर मिशेल फ्राइडे जो, ठीक है, यहाँ पर फ्राइडे आए, ठीक है, आप तो फ्राइडे के बारे में जान रहे होंगे। उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, ठीक है, चुंबकीय जो कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आए, उन्होंने क्या दिया? विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत का बारे में मतलब जो है खोज किया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में दिया, ठीक है, इंग्लैंड से थे वो। उसके बाद हेनरी रडल्फ हर्ट्ज आए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे कह सकते हैं आप, वो भी थे, उन्होंने दिया, जर्मनी से थे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, यानी जेसी बोस ने दिया, जो है अति लघु रेडियो तरंग बोलते हैं। फिर डब्ल्यू के, ठीक है, रोएंटजन आए, एक्सरे की खोज की उन्होंने, ठीक है, जर्मनी से थे। इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कई जो साइंटिस्ट हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं जेजी थॉमस, इलेक्ट्रॉन की मतलब जो है खोज की। उसके बाद मैरी स्क्लोडोस्का, क्यूरी आए, ठीक है, इनको क्यूरी के नाम से ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या किया? रेडियम को डिस्कवर किया, ठीक है, और किसकी खोज की? रेडियम पोलोनियम की खोज की। और क्या फिर क्या किया? स्टडीड ऑन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता जो होती है उसका अध्ययन करवाया, पोलैंड से थे। अल्बर्ट आइंस्टीन आए, जर्मनी से थे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया, ठीक है। आगे बढ़कर और एक टेबल है, इसके अंदर भी कई साइंटिस्ट हैं, जैसे कि बहुत जैसे विक्टर है, फ्रांसिस हेस हैं, कॉस्मिक रेडिएशन का खोज किया, आर ए मिलिंकन है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का खोज किया यूएसए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए, और ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सिंपली आप एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख लीजिए, ठीक है, पर्सनली रख लीजिए, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़कर और बता देता हूँ, फिर आगे का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आधा जो है इसका आधा ये है। पॉल डेरिक हैं, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एडविक हबल हैं, इसी में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, किस देश से हैं, किस कंट्री से हैं, वो भी इनके बारे में यहाँ पर दे रखा है। आप सिंपली क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको आप खुद से पढ़ कर इसको नोट पर डालिए, इसका जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है अब यहाँ पर आगे बढ़कर अब ये जानेंगे कि सबसे बड़ी बात है, जब आप ये जान लिए कि कहाँ कहाँ से किसका की खोज हुई, क्या क्या किए, तो अब आगे हम लोग इस टर्म में ये जानेंगे कि हमारे पास जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब ये जानेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या हैं यहाँ नेचर में हमारे, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़कर जान लेते हैं इस टर्म में कि जो हमारे आसपास जो हैं वो कौन सी ऐसी ऐसी फंडामेंटल फोर्सेस हैं यहाँ पर जो आसपास देखने को मिलती हैं, यानी प्रकृति में जो है मूल एक तरह से मूल बल, यानी जो मेन फोर्सेस होती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिलेगी कि मेन चीज़ है, सबसे पहला चीज़ है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे बड़ी बात, यानी पहली अगर फोर्स की बात की जाए तो सबसे पहला फोर्स के कैसे पता चला पहला फोर्स, तो सबसे पहला फोर्स जो है न्यूटन, इसाक न्यूटन ने इसकी खोज की थी, सबसे बड़ी बात ग्रेविटी की खोज की थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। जैसे कि एक सेब गिरा, ऑब्जर्व किया न्यूटन ने, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि सेब आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, इसके बारे में जो है न्यूटन ने खोज की। तो सबसे पहला बल जो है ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, उसके बारे में तो भली भांति आप जान रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है कि क्या क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है, जिसके कारण जो है सारी चीज़ें जो है कहाँ तक आ जाती हैं, पृथ्वी पर चली आती हैं, क्यों नहीं वो बाहर मतलब जाती हैं, आखिर पृथ्वी के अंदर कुछ को फोर्स है जिस जो सारी वस्तुओं को जो है खींच लेता है अपनी तरफ, अपने पास रखा रहता है, अपने अंदर बना के रखता है। इसी तरह से कई लोगों के पास मतलब बाहर की सूर्य का अपना ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, सब जितने चीज़ें हैं जो भी कक्षाओं में घूम रहे हैं उनका अपना अपना जो है क्या क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तभी तो क्या है एक सिस्टम से क्या है हमारा जो ये जो आपका ब्रह्मांड है यानी जो सोलर सिस्टम है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या है एक दूसरे से बंधा हुआ है, वरना क्या होता एक दूसरे से कोलाइड हो जाता, लड़ जाता, भिड़ जाता, टूट जाता, फट जाता, ठीक है। इसी वजह से ये जो है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली चीज़ देखने को मिली।
उसके बाद बात आया क्या, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। दूसरा जो आया टर्म आया क्या है, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया, ठीक है। इस फोर्स के अंदर क्या आपको देखने को मिला, जो चार्ज पार्टिकल्स थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि चार्ज पार्टिकल्स थे जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनके बीच में क्या था कि एक फोर्स पैदा होता था, जैसे यानी प्लस है माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से है। अब माइनस माइनस क्या करता था, अगर मान लीजिए माइनस माइनस क्या करता था, एक दूसरे को रिपेल करता था। अभी आप साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर उसके बाद साउथ पोल नॉर्थ पोल रखिए जैसे, नॉर्थ नॉर्थ को अगर आप उसको पास लेके आ रहे हैं, देन क्या करता था वो, एक उसको क्या करता था, रिपेल करता था, क्या बोलता था, एक दूसरे से वो दूर भागता था। यानी एक जैसे पार्टिकल अगर आसपास आते थे तो वो पास नहीं आ पाते थे, क्या होते थे, वो दूर भागते थे। तो ये सब चीजें हैं, क्या यहां से क्या हुआ, पैदा हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुई, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल पैदा हुआ, ठीक है। ये सब टर्म है, ठीक है। अभी ये सब के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जानिए कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अभी मैं फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ, यानी संसार में जो है फिजिक्स कहाँ है, किस तरह से है, किस रूप में है, उसके बारे में आज हम लोग पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में यही जानेंगे, ठीक है। इस तरह से जो इस टर्म में है, आप देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबल यहाँ पर जो है मैंने स्किप कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है कुछ जो है टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स कि किससे ये रिलेटेड है। सबसे पहला जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, जो है टॉपिक हेडिंग जो है उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद पढ़िएगा इसको। जैसे स्टीम इंजन था, किससे है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर है, कंट्रोलर न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। इस तरह से जो है आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। उसके बाद देखिए आगे बढ़कर इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर एरोप्लेन के भी देखिए, एरोप्लेन लिखा है यहाँ पर, बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, किससे वो संबंधित है, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद सोलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधा बचा जो था उसका भी ले लीजिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, इन्होंने ये भी थ्योरी दी थी जी, किससे संबंधित है उसके बारे में यहाँ दे रखा है, इसको भी नॉर्मल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोर्स के बारे में जो डिस्कशन करना था वो काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। और देखिए, और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक और बात आई, क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, यानी जो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के यहाँ पर आया। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में आया यहाँ पर। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या था। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नाभिकीय में जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को क्या करता है, बांधे रखता है, क्या करता है, उसको जो है एक जैसे एक दूसरे से बांध के रखता है, ठीक है। आप जान लीजिए कि ये जो है मतलब आपको ये बात में समझ में आना चाहिए कि जब बिना किसी आकर्षक बल के जो है प्रोटॉन में जो है पारस्परिक जो क्या बोलते हैं ना, प्रतिकर्षण होने का कारण जो है, ठीक है, वो क्या होता है, कोई भी नाभिक जो है असंतुलित हो जाएगा। अगर उसके बल, अगर उन दोनों के बीच में जो है अगर मान लीजिए कोई बल ना हो तो क्या होगा, वो असंतुलित हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सोलर सिस्टम का ना, अगर उनके अंदर बल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, टूट जाएगा, भिड़ जाएगा, एक दूसरे से फट जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, लड़ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में क्या है, एक मतलब बल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं क्या है, ये सब क्या हुआ, ये हुआ प्रबल नाभिकीय बल हुए, ठीक है, पर जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस हुआ। ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर जो है होनी चाहिए। अब आगे इसमें जो है नॉर्मली आप जान लीजिए कि क्या क्या है, लगभग यहाँ पर देखिए एक लिखा ना, न्यू बेसिक फोर्सेस मस्ट, ये सब सारी चीजें हैं, नॉर्मल है, कोई खास टॉपिक्स नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़ आपको जानने को मिला है कि न्यूक्लियर डायमेंशन क्या है, 10^15 m है, ठीक है, यह है। और इसके बारे में बताने यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन, इट्स रेंज इज हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन 10^15 m, ठीक है, 10^-15 m जो है इसका रेंज है, दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं। उसके बाद आया जो है वीक न्यूक्लियर बल, ठीक है, सॉरी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, इसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, इसको बोलते हैं दुर्बल। दुर्बल से आपको पता चल गया कमज़ोर, हल्का, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये जो दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है, मैं आपको बता दूँ, ये जो है बीटा छाय में प्रकट होते हैं, किस में होता है, बीटा, यानी जो बीटा डीके मतलब समझ गए ना, वो कह सकते हो तुम जैसे कि खराब वस्तु, खराब चीज़, तो जो बीटा किरणों की जो ये आप जो
अवशेष तरह से जो कह सकते हो, उसी में ये जो है रेडिएशन, एक रेडिएशन के तौर पे ये क्या है इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये सब क्या हुई, ये सब वीक है, कमजोर है न्यूक्लियर, बहुत ही कमजोर न्यूक्लियर, जैसे कोई हानि जैसे नॉर्मल हानि होती है, लेकिन क्या होती है नॉर्मल हानि होती है, ठीक है, कमजोर होता है जिस तरह से। और इसका जो रेंज होता है, अगर इस फोर्स की रेंज की बात करें तो 10^-16 m के जो है कोटि के बराबर होता है, ठीक है। अब इस तरह से बलों का एकीकरण की ओर, अब देखिए टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब जो बात आ गई यहाँ पर, जो आई यहाँ पर मेन क्या है कि एकीकरण, यानी एकीकरण का मतलब हो गया इकट्ठा करना, एक जगह एकत्रित कर देना, ये सारी चीज़ें का बात हुआ। तो इस तरह से कई कई चीज़ों का, कई फोर्सेस को क्या किया, एक फिजिक्स में आके क्या कर दिया, एक जैसे होता नहीं कई कई जानकारी को एक बुक में पैक कर देना, उसी तरह से इसका जो टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का, यानी बलों का क्या किया, एक जगह पर लाकर क्या कर दिया, रख दिया, संबंधित का एक बुक में लाके फिक्स कर दिया, वही सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एकीकरण के अंदर आ गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पर एक टेबल दिया है, मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है 10^-39, ठीक है, ये होता है, इसकी रेंज जो होती है इनफाइनाइट होती है। ऑपरेट्स अमॉन्ग, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो भी सब जगह मतलब पाए जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उन सब में क्या करता है, ये पाया जाता है और सब पे ये लागू होता है। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको नॉर्मल जो है इसको जान लेना, इस टॉवल का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पर आगे बढ़कर यहाँ पर जानेंगे कि ये जो सबसे बड़े एक टॉपिक और आ रही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भौतिक नियमों का प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो है। ये भी कोई खास टॉपिक नहीं है और इसको जो है आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर भी अगर आपको रीडिंग करनी होगी तो इसको रीड कर लीजिएगा, कोई खास टॉपिक नहीं है आपको। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप नॉर्मली, कोई खास तरह का जो चीज़ नहीं है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस तरह से है, आगे बढ़कर देख लीजिए आप, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। आपके पास फिजिक्स की बुक होगी तो आप नॉर्मली, मैं इसलिए बोलता हूँ कि फिजिक्स की बुक ले लीजिए, आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल और है, इस टेबल की भी अब जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे इसाक न्यूटन है, उन 1687 में है, इसका जो है अचीवमेंट क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या पाया, क्या जो भी इनको अवार्ड मिला, क्या मिला, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया है, इसको भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ये टेबल दिया हुआ है, मैंने कहा ना एनसीईआरटी में 2 पॉइंट लिखा होता है, ये ज़्यादा है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हैं जो आपके टेबल्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इसमें कुछ खास तरह की कोई चीज़ें दी नहीं रखी है, ठीक है, जहाँ तक है मैंने यहाँ पर पढ़ डाला है। और एक बात यहाँ पर जो है समरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो समरी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ समरी आपको जो है ये चीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये समरी का जो है स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा आप। देखिए मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, और समरी को खास तरह का अपना जो है खुद पढ़िएगा, यानी चैप्टर का पूरा सार और सारंश जो है इसमें दिया होता है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हद तक मैंने काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें सारी चीज़ें दे रखी है आप देख लीजिए, और यहाँ पर जो है नोट्स भी दे रखा है स्टूडेंट्स के लिए, और एक्सरसाइज भी दे रखा है, और इसमें से क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करिएगा, समझ में आएगा कोई चीज़ क्वेश्चंस इसमें फंसे तो हम बिल्कुल आप हमसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रही जो है आज का जो चैप्टर था, मैं आपको बता दूँ ये था पूरा चैप्टर का जो है मेन फिजिकल वर्ल्ड का जो समरी था, और ये काफ़ी हद तक सिर्फ समझाने वाला जो चैप्टर था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है समझाने वाला चैप्टर था, इसी हद तक मैंने इसको काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ बातें नहीं की मैंने। तो फ्रेंड्स अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपको जानना था कि फिजिकल वर्ड क्या है। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस चैप्टर को जरूर शेयर करिएगा ताकि लोग इसे प्रेरित हो। इंडियन एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जो फिजिक्स की जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सो इस क्लासेस से जुड़े रहें, रोज डेली जुड़े रहें। और लाइव अगर क्लासेस चाहिएगा तो बिल्कुल उसके लिए कमेंट करिएगा, और कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।